हाय गाइस, आज हम आए हैं पीएम म्यूजियम, जहां पर इंडिया के सारे पीएम्स के बारे में जानकारी है, अंदर उपलब्ध है। हमने टिकट्स ले लिए हैं पर पर्सन, क्योंकि आज वीकेंड है इसलिए 100 रुपीज़ का है, वरना आपको वीकडेज में 50 रुपीज़ पर पर्सन है। और अगर आप 20% से ज़्यादा लोग आएंगे तो 25% ऑफ भी मिलेगा। टिकट सारे ऑनलाइन भी बुक किए जा सकते हैं। हमें थोड़ी गलती कर दी, हमें नहीं पता था इसलिए हमने ऑनलाइन बुक नहीं किए। सो गाइस, ये है पीएम म्यूजियम की पार्किंग, जो कि पूरी तरीके से फ्री है। मैं आपको वीडियो में टिकट से लेकर प्राइसिंग तक और समय पूरी जानकारी दूंगी, तो वीडियो में बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो 100 रुपीज़ के टिकट्स है, उसके अलावा जो एड ऑन एक्टिविटीज़ है उसके 50 रुपीज़ के चार्जेस है, जैसे कि सेल्फी विद पीएम, वॉक विद पीएम, हैंड रिटन लेटर फ्रॉम पीएम और एक भविष्य की झलकियाँ, जो कि हमें लास्ट के दो जो है वो नहीं मिल पाए, उसके सोल्ड आउट हो चुके थे। और इसके अलावा लाइट एंड साउंड शो है, उसका भी 100 रुपीज़ का चार्जेस है। तो चलिए फिलहाल तो हम अंदर चलते हैं। तो गाइस, अगर आप दिल्ली घूमने आए हैं तो एक बार ये पीएम म्यूजियम ज़रूर जाएं। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये ओल्ड बिल्डिंग है जिसे नेहरू मेमोरियल है जिसमें, और इसके पीछे ये एक न्यू बिल्डिंग है जिसमें बाकी के पीएम्स के बारे में सारी जानकारियाँ दी गई है। हमने 4 बजे के करीब म्यूजियम में एंट्री ले ली थी। आप वहाँ पर जो स्टार्टिंग है, वहीं पर एक ऑडियो लाइब्रेरी के लिए स्कैनिंग पॉइंट है, वहाँ पर आप अपने मोबाइल से स्कैन करके पूरी जगह के एक ऑडियो ले सकते हैं, जिससे आप उसको सुन सकें और चीज़ों को समझ सकें। सबसे पहले बिल्डिंग 1 में हम घुसे, मतलब जो ओल्ड बिल्डिंग था हम उसमें घुसे। उसमें अलग अलग रूम्स में अलग अलग चीज़ों की जानकारियाँ दी जा रही थी, जैसे कि स्वतंत्रता के समय जो ब्रिटिश विरासत थी वो कैसी थी, उस वक्त भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि कैसी थी। उसके बाद एक अलग रूम में संविधान के जो निर्माता थे उनकी कहानियाँ थी, कि कौन कौन ने संविधान निर्माण में सहयोग दिया, कौन कौन लोग थे वहाँ पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, उनके बारे में। उसके बाद फिर आता है संविधान कैसे बनाया गया, संविधान सभा के बीच हुई दिलचस्प बहसों के बारे में भी उसमें जानकारियां दी गई है। उसका जो नेक्स्ट रूम है वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट रूम में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पीएम से रिलेटेड सारी चीज़ दी हुई है, कि पीएम के लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एजुकेशन होना चाहिए, उन्हें पीएम बनते टाइम क्या शपथ दिलाई जाती है, और उनकी भूमिकाएँ क्या होती है, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ये सारा यहाँ पर इस रूम में दिखाया गया। देखिए, आप अलग अलग लैंग्वेजेस चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और ये बीच में जो आप देख रहे हैं वो है संविधान की बुक, जिसके अलग अलग आर्टिकल्स जो है वो अलग अलग रूम्स में दिखाए गए। जैसे इस वाले रूम में पीएम के जो भी रिलेटेड उनके कर्तव्य वगैरह वो सब उसके लिए यहाँ पर दिखाया गया है। और ये संविधान की बुक के अलग अलग अनुच्छेद होते हैं। नेक्स्ट पेज करो। आप देख पाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक है वो वहाँ पर लगी हुई है, और बहुत ही अच्छी तकनीक का यूज़ किया गया है। बड़े बड़े पैनल्स लगे हुए हैं, टच स्क्रीन्स लगी हुई हैं, आप उन्हें उसे आप अलग अलग भाषाओं में कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत अच्छा था। उसके बाद है डेमोक्रेटिक इंडिया, यहाँ पर आप भारत की संसद के कार्य के बारे में जान पाएंगे, राजनीतिक लोकतंत्र की नींव को समझने में आपको इसमें मदद मिलेगी। उसके बाद है संवैधानिक संशोधन, यहाँ पर आप देख सकेंगे कि भारत का संविधान दशकों में कैसे विकसित हुआ है, मतलब कि कैसे पहले था, उसके बाद उसमें क्या क्या संशोधन किए गए, कैसे कैसे वो डेवलप हुआ है, आप ये देख पाएंगे। इसमें दिखाया गया कि संविधान के संशोधन कब कब हुए हैं, 105 संशोधन हुए टोटल, उनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर पर चढ़े, जहाँ पर आप नेहरू जी की लाइफस्टाइल वगैरह देख पाएंगे। ओल्ड बिल्डिंग है ना, वो पूरी नेहरू जी के बारे में ही है, उनके रूम से, उनके कहाँ पर डेथ हुई है, उनकी लाइब्रेरी,
काम करने वाली जगह, ये सब वहाँ पे अलग अलग रूम्स में आपको उनकी लाइफस्टाइल देखने को मिलेगी। जैसे कि एक रूम में 1946 तक जो उनकी प्रारंभिक जीवन था और उनकी राजनीतिक यात्रा थी, उसके बारे में आपको वहाँ पर जानकारी मिलेगी। जो उनके रूम्स में चीज़ें थी वो सब कुछ रखा हुआ था। उसके बाद एक प्रोजेक्टर रूम आएगा जहाँ पर आप बंटवारे के बारे में जानकारी देख सकेंगे। वहाँ पर एक वीडियो चलता रहेगा, तो वहाँ पर आप जो भी 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था उसके बारे में विजुअल्स देख पाएंगे आप। तो यही है। डेढ़ करोड़ अपने तौर से स्थापित हो गए। पुराना किला दिल्ली के सबसे बड़े शरणार्थी शिविरों में से एक था। 1947 ये जो पार्टीशन वाली फिल्म चल रही थी उसके जस्ट बाहर आप नेहरू जी की बिलोंगिंग्स देख पाएंगे, उनकी जैकेट, टोपी और उन्होंने जो चीज़ें यूज़ की हुई थी वो सारी चीज़ें दिख रही है आपको, बैट वगैरह। और उसी रूम के जस्ट सामने आपको ये विजुअल चलता हुआ दिखाई देगा जहाँ पर नेहरू जी के सारे काम वगैरह के बारे में दिखाया गया है। उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की, कौन सी स्कीम्स वगैरह लेकर आए, ये सारा यहाँ पर आपको एक विजुअल्स के माध्यम से देखने को मिलेगा। Policy and initiated important legislative measures such as the Industrial Disputes Bill and the amendment to the Factories Act. The decisions of the interim government reflected under Nehru's claim that we are not just caretakers for a brief period. यहाँ पर आपको वीडियो में देखने को मिलेगा कि 1947 का पार्टीशन किस तरह से हुआ और कैसे कैसे उसकी भूमिका मंदी, किस तरीके से अंग्रेज देश को छोड़ के गए, ये सारा विजुअल्स में आपको नज़र आ जाएगा। बस ये कि यहाँ पर सारी चीज़ों को देखने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, हर जगह थोड़ा थोड़ा वक्त बिताना पड़ेगा, तभी आप पूरी चीज़ों को देख पाएंगे, कवर कर पाएंगे। उसके बाद ये नेक्स्ट वाले रूम में आपको नेहरू जी के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, उनके अर्ली लाइफ के बारे में, शादी के बारे में, बच्चों के बारे में, वाइफ की डेथ के बारे में और सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, वो पूरी जानकारी मिलेगी। फिर आता है पंडित नेहरू जी का बेडरूम, वहाँ पर जो उनका सोने का कमरा था वो देख पाएंगे आप। उसके बाद एक नेक्स्ट रूम में पंडित नेहरू जी के सिटिंग रूम देख पाएंगे, कहाँ पर उनकी बैठक होती थी, कहाँ पर मीटिंग्स होती थी, क्योंकि एक्चुअली उनका घर ही था जो कि अब म्यूजियम बना दिया गया है, तो इसलिए पहले जहाँ पर वो रहते थे, काम करते थे घर पर, वो सब जगह आपको देखने को मिलेगी। उनके रूम्स में भी काफ़ी सारी बुक्स रखी हुई है और उनके पास बुक्स का काफ़ी बड़ा मतलब कलेक्शन था, क्योंकि आप गलियारे में जो है वहाँ पर भी बुक्स काफ़ी सारी देख पाएंगे, उनके रूम्स में भी देख पाएंगे। उनके एक स्टडी भी है जहाँ पर वो बैठकर अध्ययन करते थे, एक स्टडी रूम भी है। फिर आती है नेहरू गैलरी, जो नेहरू गैलरी है उसमें नौ स्वतंत्र भारत और उसके बाद युद्ध में राजनीतिक विकास में जो भी दृष्टिकोण प्रस्तुत हुआ था वो सब देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर राज्यों के पुनर्गठन, कश्मीर युद्ध 1947-1948, साथ ही यहाँ पर एक नेहरू गैलरी है, यहाँ पर आप जो पहला चुनाव हुआ था उसके बारे में जानकारियाँ देख पाएंगे। फिर आता है ट्रेट विथ डेस्टनी, जहाँ पर आप ये देख पाएंगे कि जो उन्होंने भाषण उनके हाथों का लिखा हुआ है वो वहाँ पर फ्रेम करके लगाया हुआ है नेहरू जी का, वो है भारत चीन युद्ध 1962 में युद्ध के दौरान हुई घटनाओं का एक पूरा श्रृंखला दी गई है। सीमा पर चीन के आक्रमण से लेकर भारतीय रक्षा बलों की मजबूत धक्का मुक्की के बाद युद्ध विराम की घोषणा तक वो पूरा आपको एक गैलरी में देखने को मिलेगा। फिर एक तोशखाना जोन था जहाँ पर, इसका मतलब मुझे भी नहीं पता था लेकिन अंदर जाने के बाद पता चला, यह जो तोशखाना, यहाँ पर दुनिया भर के प्रसिद्ध लोगों ने जो भी पीएम्स को उपहार दिए गए वो सारा कलेक्शन यहाँ पर था। इसमें शुरुआत में तो आप सब नेहरू जी को जितने भी मिले थे वो थे, उसके बाद आगे और भी पीएम्स को मिले हुए वो तोहफे दिए हुए, जितने भी देश में वो लोग विजिट करते थे तो उन लोग ने अपनी जो भी दी थी उनको वो वहाँ पर सारे उपहार रखे गए। आप किसी भी चीज़ को छू नहीं पाएंगे, बस देख पाएंगे। देखा
अरे वो तुम तुमने वो बताया ना सो गाइस हमने इस तरीके से पहली वाली बिल्डिंग तो है वो पूरी घूम ली थी। अब हम सेकंड बिल्डिंग की तरफ जा रहे थे, उसमें सेकंड बिल्डिंग की तरफ जाने पे ये बीच में स्पेस है, यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है। ये जो देख रहे हैं आप ये पुरानी बिल्डिंग है एंड सामने जो दिख रही है आपको वो नई बिल्डिंग है। ये हम नीचे की तरफ बढ़ रहे थे, हमें वहीं पर गार्ड ने बोला कि टाइम हो गया है, आप ये ध्यान रखिएगा कि 4:30 बजे इनकी एंट्रीज बंद हो जाती है, 4:30 बजे टिकट्स मिलना भी बंद हो जाते हैं और जो म्यूज़ियम है ये 6 बजे बंद हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि इस टाइम से पहले ही जाएं और इससे ताकि आपको कुछ भी छूटे ना। हमें भी जैसे गार्ड ने बोला कि बंद होने वाला, हम फटाफट एंट्री कर गए। ये देखिए सेकंड वाली बिल्डिंग बहुत ही आधुनिक तकनीकों से भरपूर है। यहाँ पर जैसे आप एंट्री करते हैं सारे PMs के बारे में ये जानकारी दी हुई है, अभी तक की जो 15 PMs है सभी के बारे में ये जानकारियाँ डिस्प्ले हो रही है। उसके बाद आप एंटर करते हैं इस फर्स्ट रूम में जहाँ पर एक वीडियो चलता रहता है, और इस कमरे में महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भारतीय राष्ट्रीय सेना की कहानी और सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा प्राप्त राज्यों के एकीकरण की कहानी बताते जाते हैं। वहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था है। देखो 12 out of 14 जो बोलते हो ना, वो नहीं छात्री। ये परमाणु नीति के चक्कर में तो लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे थे। चलो आप आगे चलो। वो से पास मम्मी ये टीवी देखो पापा चलो, वो से लोगों को जेल में डालना अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखते हैं एक दिन आएंगे ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम ये वो जाने में मैं सिक्योरिटी करवा देता हूं। मुराद जी देसाई
बाद एक अगला रूम आता है जहाँ पर टाइम मशीन है। यहाँ पर आप वर्चुअल तरीके से बदले भारत की तस्वीर देख पाएंगे और आप भारत के अतीत को भी जान पाएंगे। लेकिन ये टाइम मशीन का एक अलग से टिकट होता है जो हमें नहीं मिला था, इसलिए हम नहीं जा पाए। On 11 May 1998, India successfully demonstrated its prowess by taking 3 underground nuclear tests. Nuclear physicist Dr. Anil Kakodkar was the director of BARC. Dr. R. Chidambaram was the chairman. Simultaneously, Prime Minister Vajpayee announced a no first use policy. The United States imposed fresh sanctions on India. But Prime Minister Vajpayee's innovative diplomacy persuaded the world to recognize India as a responsible nuclear power state. Under Prime Minister Shriman Mohan Singh, India signed the 123 Civil Nuclear Agreement with the United States of America on 11th October 2018. India agreed to separate its civil and military nuclear facilities, and the United States agreed to provide full civil nuclear. बाद नेक्स्ट रूम में आप जाएंगे लाल किले की प्राचीर से, जहाँ पर जो जो पीएम से सारे उन्होंने लाल किले से कौन से भाषण दिए हैं वो आप देख और सुन सकेंगे। त्रिदिया सबसे छोटे थे, ये थे वो किसान पार्टी वाले चौधरी चरण सिंह। नहीं नहीं घूम के आएंगे इधर से। क्वेश्चंस पूछते हैं ना इशारे को। ये वो फर्स्ट पीसीओस वगैरह ना जो उन्होंने यूज किए थे। अच्छा, वीडियो चलाने के लिए 2 डायल करें। सही है, डायल करोगे तो वैसे ही ओपन डायल टू प्ले द वीडियो। ये राजीव गांधी का आ गया ना। ये भी देख सकता है बोफोर्स घोटाला। वीपी सिंह द मंडल वैसे भी नरेंद्र मोदी कुवैत एयरलिफ्ट। अच्छा, कुवैत एयरलिफ्ट इसका टाइम नहीं होता। चंद्रशेखर बच्चे कितने हो?
अपने को वॉक विद पीएम भी करना है। तो एग्जिट आ गया पर इधर कैसे जाएंगे? क्यों हुआ अपन? चलो आ जाओ। दोनों तो इसको अगर मैं बीच पहले जाता हूँ एग्जिट है नीचे वो सत्यजीत रे अभी भी तो है नहीं है। ये पूरा वो है हर साल का क्या वो देखो वो कारो मतलब अभी तक से आज तक का क्या क्या हुए वो सब है। मेरे को ऐसा लगा ये वाले का मुझे टिकट मिला नहीं था शायद। गोल्डन को बट प्रणब मुखर्जी पीएम कहाँ था भाई? वो एफएम था और प्रेसिडेंट था डॉक्टर मनमोहन सिंह बरा। अभी जिंदा है ना? चलो तुम्हें बंद क्यों करा हुआ है? गुजराली यहाँ नंदा पर आ गए अपन। ये तो और नरसिंह महाराज ये गुजराली गुजराली नंदा के साथ उल्टी जाने के हैं यहाँ से आए अनुभूति नीचे और समझी अनुभूति नीचे एंगेजमेंट कौन नीचे तो आ गए चलो हमारे नीचे आने का करेंगे कि कौन से पीएम के कार्यकाल में हमारे देश में क्या क्या सैटेलाइट भेजे गए और क्या क्या इस क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त की गई तथा फोटो जियोलॉजिकल तत्वों के बारे में कई प्रयोग किए। भारत के चंद्रयान प्रथम का संबंध मात्र भारत तथा चंद्रमा से नहीं था बल्कि ये कई वैज्ञानिक उपकरणों से लैस था जो है विदेश में जैसे कि और कुछ बचाए देख के अरे तो सेल्फी वाली है।
मैं उसी दिन इंक्लूडिंग कर रहा एक चीज़ जो मुझे बहुत ख़राब लगी कि अगर हमें सरकार ने कोई सुविधा दी है तो हमें उसका अच्छे से यूज़ करना चाहिए। ये जो फीडबैक वॉल है उसे पता नहीं बच्चों ने क्या यूज़ किया, लोगों ने किस तरीके से यूज़ की, बाद में काम करना बंद कर दी थी उसने, आईपैड के तार वगैरह भी निकल चुके थे। तो इस तरीके से अगर हमें अच्छी चीज़ सरकार दे रही है तो उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। सो गाइस, हमने म्यूजियम घूम लिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और अगर आप सच में पूरा एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको अराउंड 3-4 घंटे लगेंगे, क्योंकि हमें कुछ एक्टिविटीज़ आखिरी आखिर में बंद होने लगी थी। तो आप भी आइए, अपने देश के पीएम्स के बारे में जानिए, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज का यूज़ हुआ है। सो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, और हाँ, ध्यान रखिए कि विजिट करने से पहले टिकट ऑनलाइन बुक कर लीजिए ताकि आपको कोई भी एक्टिविटी ना छूटे। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। तो गाइस, ये है प्रधानमंत्री म्यूजियम, जहाँ पर ये जो इधर वाला पोर्शन है ना, ये पीएम नेहरू जी जो है उनका रेसिडेंशियल एरिया था, क्योंकि यहाँ पर अंदर जो है उनके रहने वाली जगह, उनके पुस्तकालय, लाइब्रेरीज और इंदिरा गांधी जी का रूम सब कुछ दिखाया गया है, और बाकी अन्य जो पीएम थे उनके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो ये जो घर है यहाँ पर वो रहते थे पहले, और उसको अब जो है वो संग्रहालय में कन्वर्ट कर दिया गया है।